महाराष्ट्र न्यूज चैनल वरती नवीन असाल तर आजच लाइक करा, शेयर करा, सब्सक्राइब करा। नवीन अपडेट मिळवण्यासाठी सोबत बेल आयकन ही दाबा। एक मिनट भैया, एक मिनट पंपू जा दी इतना नहीं बोला। चेतक नमस्कार, मी कमलेश दवे, अध्यक्ष असोसिएशन फॉर रेसिंग इन मोटरस्पोर्ट। हे आमचे चेयरमैन साहब विनीतजी केंजळे, हे किशोरजी बारसकर, स्वीकार राठोड, हे आमची टीम आहे। आम्ही रेसेस ऑर्गनाइज करणारी मंडळी आहोत आणि विंटेज सुद्धा आम्ही ऑर्गनाइज करतो। विंटेज मध्ये जो प्रभुत्व आणि पगडा आहे तो आमच्या विनीतजी केंजळेंचा आहे। विनीतजी केंजळे आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे, तो आप विनीतजी केंजळे के पर फोकस कीजिए। अभी आज के यहाँ हमारे पास 100 ईयर्स हो गई है ये कार आ गई है,
और जो बाइक्स भी हैं कुछ मोपेड्स आई है वो 1950 से आई हुई है सब, और ये सब चलने वाली है। लोग बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर रहे हैं इसको। लोगों का इसमें और भी रुचि बढ़े इसलिए हमने ये एग्जीबिशन रखा है कि ऐसे आपके पास कोई पुराना मॉडल रहेगा वो तो मेंटेन करके रखिए। ये सब लोगों, ये जो अभी आज का ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नया रूल आया है स्क्रैप पॉलिसी, उससे थोड़ा लोगों में डर पैदा हुआ है कि हमारे पास जो पुरानी कुछ एंटीक या बाइक्स है कार है उनका क्या हो जाएगा। उनको जानकारी मिलने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा कुछ ये नहीं है कि सभी स्क्रैप होना चाहिए, जो मेंटेन कर रहे हैं उनको मेंटेन करने दे रहे हैं, उसकी जानकारी के लिए ये प्रदर्शनी रखी हुई है। आज के हिसाब में इतने लोग जो पुरानी बाइक स्कूटर इतनी मेंटेन करने में इतना खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि स्पेयर्स मिलते नहीं है, वो कहाँ कहाँ से लाते हैं, कुछ स्पेयर बाहर गांव से बाहर देश से भी लाना पड़ता है, फिर भी वो मेंटेन कर रहे हैं। तो ऐसी बाइक्स और ये आने वाली पीढ़ी के लिए देखने के लिए रहे, इसलिए हमारा प्रयास रहता है और वो हिसाब से ये प्रदर्शनी